बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बाइनोमियल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जब भी हमें किसी भी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना हो जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं और इंट्रोडक्शन में सेम मैटर लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है तो लास्ट लाइन में लिखना है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है बट मेनली उनको टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन है उसे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरिटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें टू टाइप से एक्सप्लेन किया गया है तो जो यहाँ पर फर्स्ट है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका मीनिंग ये है कि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एक्चुअल डाटा या फिर एक्सपेरिमेंट से अचीव किया है तो इसमें हम एवरेज का डिसपर्सन का स्क्यूनेस का ये स्टैटिकल डिवाइस हैं तो इनका यूज़ कर सकते हैं हम बट जो सेकेंड है थ्योरिटिकल या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट का यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर ये सब एजम्शन के ऊपर बेस्ड होता है तो यहाँ पर हम प्रोबे प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं इसलिए इसे बोला गया थ्योरिटिकल या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम इसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को दो टाइप से क्लासिफाई कर दिया जब अब जो ये थ्योरिटिकल या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी एक और चार्ट बन सकता है जैसे कि टाइप्स ऑफ थ्योरिटिकल या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको भी आगे दो टाइप से एक्सप्लेन कर दिया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टीन्यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जो मेनली हम तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं बाइनोमियल पॉइजन या नॉर्मल वो इन्हीं के अंडर में आते हैं डिस्क्रीट के अंडर में आ गया बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूज के अंडर में आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो अब हम इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में और वो है एक थोरटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये सब इंफॉर्मेशन थी वो बेसिक नॉलेज के लिए थी यहां पर हमारी मेन हेडिंग है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके इंट्रो में भी हम फोकस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन को पहले एक्सप्लेन करने के बाद ये बताना है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो थियोरटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है विच इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एल्जेबरा तो इतना ये इंट्रोडक्शन में लिखना बहुत है उसके बाद पॉइंट है डिस्कवर्ड बाय की जो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसने डिस्कवर किया था तो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इज एसोसिएटेड विद जेम्स बर्नोली ये किसके नेम से एसोसिएट हुआ था जेम्स बर्नोली तो ये डिस्कवर किसने किया था जेम्स बर्नोली ने किया था इट इज गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नोली स्विस मैथमेटिशियन थे जेम्स बर्नोली उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम के बाद में इसका नेम डाला गया बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं अब है मीनिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल वर्ड है इसके स्टार्टिंग में बी आई बाई वर्ड लगा हुआ है तो बाई का मीन्स होता है टू इट इज़ यूज इन सच सिचुएशन वेयर एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन टू पॉसिबिलिटीज यहाँ ये वहाँ पर यूज़ होगा उन सिचुएशन में यूज़ होगा जहाँ पर किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा वो दो पॉसिबिलिटी होंगी या तो सक्सेस और पॉसिबिलिटी मीन्स सक्सेस और फेलियर दो पॉसिबिलिटी होंगी इट इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच एक्सप्रेस दी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ टू अल्टरनेटिव ये एक सेट में दो अल्टरनेटिव दो अल्टरनेटिव कौन से हैं सक्सेस या फेलियर उनको एक्सप्रेस करेगा तो वहाँ

होल नंबर में दिए हुए हैं नॉट इन फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिए हुए तो ये है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स और पी ऑफ एक्स जहाँ पर इन सब को एक्सप्लेन करना है जो भी हमने फॉर्मूले में यूज़ किए हैं उन लेटर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर एक्स का मीनिंग है जो स्मॉल एक्स हमने यूज़ किया है नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स जो हमारे सक्सेस ट्रायल्स होंगे वो जीरो वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकते हैं एन है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स एन को हम टोटल नंबर ही लेकर चलते हैं तो यहाँ पर भी एन का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पी का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज़ कॉन्स्टेंट इन ईच ट्रायल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो हर ट्रायल में कॉन्स्टेंट रहेगी क्यू का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पी की वैल्यू निकालने के बाद मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को निकालने के बाद वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को माइनस कर देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी मीन्स फेलियर की वैल्यू आ जाएगी सी का मीनिंग है कॉम्बिनेशन अब नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन और एजम्पन्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन और एजम्पन्स का मीनिंग क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किन किन कंडीशन के अंडर में अप्लाई होगा तो यहाँ पर चार कंडीशन दी गई हैं चार पॉइंट्स दिए गए हैं अगर ये कंडीशन होंगी तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा अदरवाइज यूज़ नहीं होगा फर्स्ट है फाइनाइट नंबर्स ऑफ ट्रायल इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दी नंबर ऑफ ट्रायल्स आर ऑलवेज फाइनाइट और फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी यूज़ होगा फर्स्ट कंडीशन है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हमेशा फ़ाइनाइट या फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए इसका मीनिंग ये है कि वो होल नंबर होना चाहिए किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में वो नहीं होना चाहिए फिक्स्ड और फाइनाइट या फिर होल नंबर होना चाहिए तभी हम इस कंडीशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सेकेंड कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ईच ट्रायल मस्ट रिजल्ट इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम यहां पर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का मीनिंग क्या है कि सक्सेस और फेलियर टू आउटकम्स हो सकते हैं या तो सक्सेस सक्सेस और फेलियर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मीनिंग होता है कि एक इवेंट की हैपनिंग दूसरे इवेंट की नॉन हैपनिंग होगी फॉर एग्जाम्पल एक कोयन को टोस किया गया तो हेड या फिर टेल आ सकता है अगर हेड आया तो यहां पर नॉन हैपनिंग होगी टेल की और अगर टेल आया तो नॉन हैपनिंग होगी हेड की तो यहां पर सक्सेस और फेलियर दोनों कंडीशन हैं तो ये

फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक कोयन को टोस किया गया तो यहाँ पर हेड हमारे लिए सक्सेस होगा तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मीन्स हेड की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है तो कितने भी बार कोयन को टोस किया जाए तो हेड की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी वन बाई टू मीन्स प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी वन बाई टू रहेगी वो चेंज नहीं होगी चाहे कोयन को कितनी बार टोस किया जाए फोर्थ कंडीशन है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ये यहाँ पर हम ये लेकर चलते हैं कि जितने भी ट्रायल्स हैं वो टोटली totally, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है मींस अगर एक ट्रायल में हमने जो भी आउटकम रिसीव किया उसके आने से दूसरा ट्रायल जो भी किया या उसके बाद जितने भी ट्रायल किए गए वो इफेक्ट नहीं होंगे दी आउटकम ऑफ एनी ट्रायल डज नॉट अफेक्ट दी आउटकम ऑफ दी सब्सिक्वेंट ट्रायल्स मींस एक ट्रायल का जो आउटकम है वो अदर ट्रायल्स को अफेक्ट नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल हमने कोइन को टोस किया तो वहां पर हमने फर्स्ट ट्रायल में जो भी हमारे आउटकम आए एक बार फर्स्ट बार कोयन को टोस करने से तो जितनी बार बाकी हम कोयन को टोस्ट करेंगे जितने भी ट्रायल करेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट वाले का आउटकम अदर्स को अफेक्ट नहीं करेगा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं या फिर करेक्टरस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं दोनों में सेम चीज़ लिखनी है फ़र्स्ट पॉइंट है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस्ड है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा पे इसकी हेल्प से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन कर सकते हैं वो कैसे ऑब्टेन करेंगे हम बाय मल्टीप्लाइंग दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स पी को बाय दी टोटल नंबर मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की टोटल नंबर जो हमारे पास एन है उससे मल्टीप्लाई करके हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन कर सकते हैं तो इसलिए इसे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है सेकेंड पॉइंट है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज नंबर ऑफ सक्सेस जो नंबर ऑफ सक्सेस होंगे वो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एन तक आर गिवन इन होल नंबर होल नंबर्स में दिए होंगे फाइनाइट या फिक्स्ड नंबर होंगे नॉट इन फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिए होंगे तो इसीलिए इसे डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है अब थर्ड इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स है लाइन ग्राफ जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं लाइन ग्राफ की फॉर्म में तो जब भी हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस दी होती हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस पर हमें क्या शो करना है ऑन दी x एक्सिस दी नंबर ऑफ सक्सेस विल बी टेकन x एक्सिस पर हम नंबर ऑफ सक्सेस को लेंगे और y एक्सिस पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को लेंगे जैसे कि ये लाइन ग्राफ बनाए हुए हैं यहाँ पर हमने x एक्सिस पर लिया नंबर ऑफ सक्सेस को और y पर लिया प्रोबेबिलिटी को अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया लाइन ग्राफ की फॉर्म में उसकी शेप कैसी होगी जो शेप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो पी और क्यू की वैल्यू पर डिपेंड करेगी अब जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की वो पी और क्यू की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करेगी यहाँ पर दो टाइप आएंगे सिमिट्रिकल और असीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर पी की वैल्यू वन बाई टू है तो हम उसे सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लेंगे और अगर पी की वैल्यू वन बाई टू के इक्वल नहीं है तो हम उसे असीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लेंगे जैसे कि अगर पी की वैल्यू वन बाई टू है तो वहाँ पर सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो फर्स्ट ग्राफ में दिखाया गया है और अगर पी की वैल्यू इक्वल नहीं है वन बाई टू के अगर इक्वल नहीं है वो या तो लेस देन होगी

एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी का मीन्स क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कॉन्स्टेंट रहेगी ईच ट्रायल में तो जो ये मेन पैरामीटर हैं ये यहीं दोनों हैं एन और पी की वैल्यू एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन फ्राम दीज टू पैरामीटर्स सारा डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं दो पैरामीटर्स से जाना जाता है इन्हीं दो पैरामीटर्स की हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है सिक्सथ पॉइंट है कॉन्सटेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो जो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्स्टेंट्स हैं इन्हें हम एन और पी की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा मीन का मीन क्या होता है हम एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को लेकिन यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे एन की मल्टीप्लाई कर देंगे पी से तो हमारी मीन की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद है वेरियंस वेरियंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वेयर तो हम इसे स्टैंडर्ड एविएशन के स्क्वेयर डिनोट करते हैं लेकिन यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू तीनों की मल्टीप्लाई कर दी तो वेरियंस आ जाएगा और स्टैंडर्ड एविएशन को कैसे डिनोट करते हैं अगर हम वेरियंस का अंडर द रूट कर दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन आ जाता है और अगर हम स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वेयर कर देते हैं तो वेरिएंस आ जाता है तो बस यहीं पर इसी फॉर्मूले में एन पी क्यू का अंडर द रूट करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद है मोमेंट कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस इसे हम डिनोट करते हैं अंडर द रूट बीटा वन से तो इसका फॉर्मूला क्या होगा क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एन पी क्यू और मोमेंट कोफिशियंट ऑफ कुटोसिस का फॉर्मूला है बीटा टू से डिनोट करेंगे हम इसे इसका है थ्री प्लस वन माइनस सिक्स पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी क्यू इनमें से ये थ्री अलग है पहले हमें इसे सोल्व करना और उसमें थ्री को प्लस कर देना है अब लास्ट पॉइंट है इसका यूजेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के यूज़ कहाँ हैं ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास सक्सेस और फेलियर दो आउटकम्स होंगे आउटकम्स होगा उसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम सक्सेस और फेलियर में तभी हम इसको यूज़ करेंगे तभी यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल होगा उस कंडीशन में दूसरा क्या है दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन ये रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा जैसे कि बैटिंग हो गया गैम्बलिंग हो गया कोइन एक्सपेरिमेंट कर दिया हमने कोई कोयन टॉस कर दिया Dice throwing experiment हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स बाय कंपनी किसी कंपनी के द्वारा जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं आइटम्स तो उनमें इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जा सकता है अब इस वीडियो में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा आप दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन और रहते हैं पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बट किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना हो चाहे जैसे कि बाइनोमियल के इंट्री में डाला गया है पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करना है जैसे कि यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है तो इंट्रोडक्शन में यही बताना है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है अगर हम पॉइजन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखेंगे तो वो भी हमें फर्स्टली यही बताना पड़ेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंडर में आते हैं तो इस टाइप के ग्राफ प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे